भगवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का प्रारंभ कहां से होता है आप देखिए, ओम परमात्मने नमः, उस परमात्मा को नमन है, यानी परमेश्वर की आराधना करो, उसको अपना आराध्य बनाओ, उसे अपने हृदय के आत्मा के सिंहासन पर विराजमान करो। यहां से इस बात का प्रारंभ है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, जितनी भी प्रशंसाएं हैं वो तेरे ही वास्ते हैं, तेरी महिमा को युग युग गाते चले जाते हैं। परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये धर्म क्षेत्र पुण्य भूमि, कृष्ण महाराज ने यहीं पे, आप देख रहे हैं ये जो वट वृक्ष हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, प्रातः काल में अक्सर वो यहाँ अर्जुन के साथ और दूसरे साथियों के साथ इस स्थल पे आके धर्म वार्ता किया करते थे। और ये सरोवर जो आप देख रहे हैं ये चंद्राकार में तीन तरफ से इस टीले को घेरे हुए थे। ये महाराजा कुरु की धर्म भूमि कही जाती थी और प्रातःकाल में आके यहाँ पे भगवान कृष्ण महाराज कुछ लोगों के साथ बैठ के परमेश्वर का चिंतन, स्मरण और आत्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में बहुत सी बातें बताया करते थे। ये गीता कृष्ण महाराज के समय में ही व्यास मुनि हुए, कृष्ण द्वैपायन 24वें व्यास हुए, उनसे पहले 23 व्यास उस गद्दी पे और थे। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, इसको आप खोलिए, गीता उपनिषद है ये, उपनिषद उसको कहते हैं जो गुरु के चरणों में बैठ के जो ज्ञान शिष्य प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद। सबसे पहला जो श्लोक है उस पे आप दृष्टि डालिए, अगर आपके पास कलम है तो निशान लगा लीजिए।
इसके प्रारंभ में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहां से इसका प्रारंभ होता है। और हमने आपको बताया था कि ये क्षेत्र गुरु महाराज का क्षेत्र, धर्म क्षेत्र किस लिए कहा जाता था? क्योंकि वो राजा धर्मनिष्ठ थे, उनकी रानी धर्मनिष्ठ थी, उनके मंत्री सार थे, यहां तक कि प्रजा के छोटे से छोटे, ऊंचे से ऊंचे सब वर्ग के लोग अपने अपने कर्तव्य और धर्म का आचरण करते थे। इस कारण से ये भूमि, धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किस तरह से धर्म क्षेत्र है ये हमने आपको बताया था, फिर दोबारा बता रहे हैं। महाराजा कुरु यहां के राजा थे और कृष्ण महाराज के समय से बहुत पहली ये बात है। पांडवों के वंशज थे वो, उनसे बहुत पुराने थे, पूर्वज थे। एक बार काशी में, काशी बहुत प्राचीन धर्म नगरी है, वहां पे एक ऋषियों की सभा हुई और उन्होंने ये विचार किया कि इस समय में पृथ्वी पे सबसे ज्यादा धर्म कहां पे है, धर्मात्मा लोग कहां पे हैं, धर्म का आचरण करने वाले लोग संसार में इस पृथ्वी पे इस समय में सबसे ज्यादा कहां हैं। तो कुछ ने कहा कि कुरु देश जो है, महाराजा कुरु का जो देश है उसमें सबसे ज्यादा धर्म का आचरण होता है। तो इसकी परख करने के लिए एक शिष्टमंडल ऋषियों का वहां से आया और महाराजा कुरु को आके उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम इसलिए किया क्योंकि वो ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, हाथ में समीधा लेके, समीधा कहते हैं जो यज्ञ में लकड़ियां डाली जाती हैं, जो ज्ञान भिक्षु होता है उसी को ज्ञान दिया जाता है, जो अहंकार पूर्वक पूछता है चाहे ऋषि के भेष में उसको भी कोई बताता नहीं है। तो वो विनम्रता पूर्वक राजा के पास गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हम शिष्य भाव से आपसे धर्म का उपदेश लेने आपके पास आए हैं, हमें आप धर्म का उपदेश कीजिए। राजा ने कहा कि जब मैंने ये सरोवर बनवाया था, ब्रह्म सरोवर, तो ऋषियों के कहने से, ब्राह्मणों के कहने से मैंने एक तीर मारा जिससे जल निकल आए इसमें, और उस समय एक भयंकर आवाज हुई, वो तीर तो पृथ्वी में अंदर पाताल में कहीं चला गया, पता नहीं वो किसी जानवर को लगा, किसी मछली को लगा, किसी यक्ष को लगा, किसी देवता को लगा, या पाताल के किसी ब्रह्म राक्षस को लगा, किसको लगा मुझे पता नहीं। तब से मैं, मुझको ये महसूस होता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने गलत किया, हालांकि मैंने ऋषियों की आज्ञा से ही किया था, पर मेरे मन में ये दुख है कि मेरे धर्म का ह्रास हो गया, अर्थात मैं आपको धर्म का उपदेश करने के योग्य नहीं हूं। मेरी रानी जो है वो बहुत धर्मज्ञ है, धर्म का आचरण करने वाली है, सती है, पतिव्रता है, आप उसके पास जाइए, उससे पूछिए। वे ऋषिगण रानी के पास गए, हाथ जोड़ के नमन किया, कहा माता आपके पास हम धर्म का उपदेश लेने के लिए आए हैं, आप हमें धर्म उपदेश दीजिए। कहा हे ऋषियों, मैं हमेशा सत्य का आचरण करती हूं, कभी झूठ नहीं बोलती, लोक लज्जा से या किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलती। एक बार राजा की सवारी निकल रही थी, जो मेरे देवर हैं, राजा के छोटे भाई उनके साथ बैठे हुए थे, वो बड़े सुंदर लग रहे थे। मैंने मन में सोचा मेरे पति ये होते तो कितना अच्छा था। उस दिन से मेरा पतिव्रत धर्म मैं भंग समझती हूं और अपने धर्म से मैं गिरी हुई अपने को समझती हूं, अतः मैं आपको धर्म का उपदेश करने के योग्य नहीं।
हमारा जो रथ चलाते हैं महाराज के जो रथवान हैं वो बड़े धर्मनिष्ठ हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे धर्म का उपदेश दीजिए। विदुषी गण सारथी के पास गए और उसी विनय पूर्वक विनम्रता से कहा, आप हमें धर्म का उपदेश करें। सारथी ने कहा, सुनिए, एक बार महाराज रथ में विराजमान थे, मैं रथ चलाता था, बादल आ गए, बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी घोड़ों को महल में ले चलूं, कहीं बारिश से महाराज भीग न जाएं। मैंने घोड़ों को भगाया, चाबुक मारे, सरपट घोड़े दौड़ने लगे और हम पहुंच गए बारिश से पहले पहले। अब जब कभी भी मैं उस रास्ते को जाता हूं, जहां उस जगह पे घोड़े आते हैं तो वे भागना शुरू कर देते हैं अपने आप, यानी वे इतने घबरा गए मेरे दुर्व्यवहार से, मैंने घोड़ों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो मैं अपने को धर्म से गिरा हुआ समझता हूं, मैं धर्म का उपदेश देने योग्य नहीं हूं। हमारे यहां जो दरबान है, शहर नगर का जो द्वार है, आप वहां जाइए, दरबान वो बहुत धर्मज्ञ है, आप उससे ज्ञान का उपदेश लीजिए, वो आपको धर्म का उपदेश कर सकता है, वो छोटी छोटी बातों का भी पालन करता है। वीरषि उसके पास गए और कहा, हमें धर्म का उपदेश दीजिए। उसने कहा, सुनिए, एक दिन सूर्यास्त हो रहा था और मुझको दरवाजा बंद करना था, तभी एक स्त्री और पुरुष को मैंने आते हुए देखा। मैंने उनको आवाज देकर कहा, जल्दी से अपनी स्त्री के साथ अंदर आ जाओ, मैं दरवाजा बंद करने वाला हूं। आदमी पास आया और मुझ पे बिगड़ गया, कहा, तू मूर्ख है, अज्ञानी है, धर्म से रहित है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है। बस उसी दिन से मैं समझता हूं मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैं ये भी कह सकता था आप दोनों जल्दी आ जाइए। उस दिन से मैं अपने को धर्म भ्रष्ट समझता हूं और मैं आपको उपदेश देने के योग्य नहीं। ऋषियों ने कहा, हमने उपदेश ग्रहण कर लिया, जहां का राजा इतना ध्यान रखता हो मेरे तीर से कोई मछली तो नहीं बिंध गई, पाताल में रहने वाला कोई यक्ष तो नहीं बिंध गया, उससे ज्यादा धर्मात्मा कौन होगा। एक रानी जो केवल जरा सा चिंतन ही आया और उसके कारण ही अपने को भ्रष्ट समझ रही है, तो उससे ज्यादा धर्मज्ञ और धर्म का आचरण करने वाली स्त्री और कौन होगी, और अपनी कमी को बता भी रही है। और सारथी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसका कर्तव्य था कि वो जल्दी जल्दी रथ को चलाए, लेकिन अब घोड़े भागते हैं उस स्थान पे आके, तो वो क्या करे, उसकी क्या गलती है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मान रहा है। ये धर्म का गहन आचरण है। इसी तरह वो द्वारपाल, उसको क्या पता था ये अजनबी कौन है, भाई बहन है या पति पत्नी, बेचारे के मुंह से निकल गया तुम दोनों पति पत्नी जल्दी अंदर आ जाओ। इतने से ही अजनबियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, धोखा हो गया, गलती हो गई, उसी से वो अपने को भ्रष्ट मान रहा। इससे ज्यादा धर्माचरण करने वाले लोग और कहां मिलेंगे। इस कारण से इस कुरु देश को धर्म क्षेत्र कहा जाता था। इसके बाद में आप पृष्ठ 36 खोलिए। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका आधा श्लोक पिछले पृष्ठ पे है, 35 पृष्ठ पे। न जायते म्रियते
20वां ये श्लोक है, न जायते मृयते। 35 पृष्ठ से शुरू हो रहा है नीचे। न जायते मृयते वा कदाचन नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पहले वो आत्मा के विषय में बता रहे हैं, इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, यह आत्मा जन्म नहीं लेता और न मरता ही है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है, प्राचीन से प्राचीन। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, ये आत्मा अजर अमर है। अब देखिए 22वां श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपपदानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नियन्यानि संयाति नवानि देही। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यानी हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसा हमारा चिंतन होता है, वैसा ही हमारा ये जीवन और अगला जीवन हमें प्राप्त होता है। 45वां पृष्ठ खोलिए। श्लोक 53 को देखिए, इसके हिंदी पढ़िए। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। किस में ठहर जाएगी? परमात्मा में। किसी पेड़ में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं, किसी देवी देवता में नहीं। देवता क्या है? देव जाति है। हम लोगों की जाति देव जाति है। 5 देव जातियां होती थी, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, ये पंचजन्य, 5 जन्य, ये 5 जातियां देव जाति कहलाती थी। त्रिविष्टप में तिब्बत में रहने वाले नागरिकों को देव देवता कहा जाता था। वहीं सप्त ऋषि थे, उन सप्त ऋषियों ने पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी सनातन धर्म का प्रचार किया। सनातन कौन है? परमात्मा, जो प्राचीन से प्राचीन है, सबसे प्रथम है। सनातन जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, वो सनातन है, सदा सदा से है, सदा सदा रहता है। उस परमेश्वर की आराधना और उसमें मार्ग, उसके मार्ग में चलने का जो तरीका है, यम नियम, उनका पालन करना। यम नियम क्या होता है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐस्ते यानी निष्कपटता, अपरिग्रह इकट्ठा न करना, तप, शौच, पवित्रता, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्रणिधान। अपने प्राणों का आधान हम किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में ना करें, परमात्मा में करें, ईश्वर में करें, ईश्वर प्रणिधान। इतने सब नियम करने के बाद आप सच बोलेंगे और तपस्या करेंगे, अपरिग्रह का व्रत करेंगे, बहुत सारे काम करने के बाद में, अगर आप अंतिम है ईश्वर प्रणिधान, इतने काम करने के बाद अगर आपने अपने प्राणों का आधान
ईश्वर में नहीं किया तो वो इतना किया हुआ व्यर्थ जाएगा। परमात्मा परमेश्वर कृष्ण महाराज कह रहे हैं, उसी श्लोक को आप देखिए, श्लोक नंबर 53 प्रश्न नंबर 45। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। तरह तरह के वचन सुनते हैं, टीवी आप खोलो, तरह तरह के वचन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और फिर आदमी सोचता है कस्मै देवाया हविष्याविदे, मैं कौन से देवता की पूजा करूं, मैं किसकी पूजा करूं। वो महात्मा तो ये बता रहे थे, वो तो ये बता रहे थे, वो ये बता रहे थे, वो ये बता रहे थे। अस्थिर बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिनकी आत्मा पवित्र नहीं हुई है, जिन्होंने भांति भांति के वचन सुने हैं, गुरु बन गए हैं, और परमात्मा में जिनकी बुद्धि अचल नहीं है, वे तरह तरह के मत मतांतर, तरह तरह की बातें, तरह तरह की पूजा लोगों को बताते हैं, खुद भी करते हैं। आप फिर देख लो, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। परमात्मा में अचल चलायमान ना हो। गुरु महाराज ने तो बता दिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, अजी इतने से क्या हो जाएगा। देवी की पूजा नहीं करेंगे तो घर में लक्ष्मी थोड़ी आ जाएगी। विचलित बुद्धि, बुद्धि हमारी विचलित हो गई। देवी देवता पीर पैगंबर ये सब परमात्मा के सेवक हैं, उसके हुक्म से संसार में, धरती पर, आसमान में, सितारों में, लोक लोकांतरों में कार्य करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, इस बुद्धि को संभाल जो विचलित हो रही है, भांति भांति के वचन सुने हैं। जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। किससे? परमात्मा से। ये क्लास चल रही, सो मत जाना, ऐसा ना हो हम कहते रहे और आप एक लंबी सी नींद निकाल लें। क्लास में कुछ लड़के ऐसा ही किया करते थे, अपना बैठे हैं, शांत बैठे हैं, आंखें बंद हैं, जैसे बड़े लीन हो के सुने, पता चला सो रहे हैं। आप मत सोना, थोड़ी देर के लिए जागते रहना। अब आप प्रश्न 46 श्लोक नंबर 59 को आप देखिए, इसमें हिंदी पे आप जाइए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। किसका साक्षात्कार? परमात्मा का। हम आपको ये बता रहे हैं कि उन्होंने परमात्मा का प्रतिपादन किया है, उसको आप स्पष्ट रूप से, हम जो आपको परमेश्वर की आराधना कराते हैं, ये कोई नया संप्रदाय नहीं निकला है फुल संदेह से, ये प्राचीन सनातन मार्ग है जो हमारे बुजुर्गों से, हमारे देवताओं से, हमारे पुरखों से चला आता है, और उसका प्रमाण यह है 5,500 साल पहले ये पुस्तक, जो कि इसी स्थान पर ये वचन कृष्ण महाराज ने कहे हैं।